नमस्कार साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ द बॉटनी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ टोमेटो और टोबैको इज, यानी टमाटर और तंबाकू का पुष्प सूत्र है. तो हमें मालूम है ये कौन सी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है. तो यानी यहाँ पर कोरोला और एंड्रोशियम में क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा. तो आंसर क्या जाएगा हमारा, फोर्थ. चलते हैं नेक्स्ट. अस्ट्राइल स्टेमन इज नॉन एज, यानी बंध्या पुंकेसर को कहा जाता है. आंसर है पहला स्टेमी नोड. थर्ड, द मेन पर्पज ऑफ द फाइलोटैक्सी फॉर द लीव इज टू प्रोवाइड सफिशेंट, यानी पत्तियों के लिए पर्ण विन्यास का मुख्य उद्देश्य है प्राप्त प्रदान करना है. क्या करना है प्रदान, हमें लाइट यानी प्रकाश को प्रदान करना है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी किसकी बात कर रहा है, वो भूमिगत तनों की बात कर रहा है. तो हमें यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलकेसिया. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड. चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्या है, गलत है. पहला, ईच स्टैमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टाक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर. बिल्कुल सही बात है ये. एन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डाइसेक्टेड इंटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन, यानी एक नियमित फूल को किसी भी तल से दो बराबर भागों में विच्छेदित किया जा सकता है. बिल्कुल सही बात है. सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन हाइपोगाइनस फ्लावर्स, यानी अधोवर्ती पुष्पों में उद्भववर्ती अंडाशय पाया जाता है. बिल्कुल सही बात है. लास्ट है, व्हेन स्टैमन्स आर अटैच टू द पेटल्स दे आर एपिफाइलस एज इन ब्रिंजल. ये गलत बात है, यहाँ पे कंडीशन एपिफाइलस नहीं होती, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एपी पेटलस. यानी जो फोर्थ ऑप्शन है, जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उसे परिदल लगन कहते हैं, जैसे बैंगन में. ये चीज गलत है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर द पेटल प्लेसेंटेशन, यानी फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस. गलत बात है, ये कहाँ पे होंगे, पेरीफेरी यानी परिधि पे. तो ये क्या ऑप्शन हो गया आपका, गलत हो गया. ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम, यानी आभासीय पट की वजह से. तो स्टेटमेंट सही है. एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ये भी सही है. तो नॉट ट्रू का आंसर हो गया आपका, फर्स्ट हो गया. यानी बीजांड केंद्रीय कक्ष पे उत्पन्न होते हैं, ये क्या है, गलत. किसकी बात कर रहा है, भित्तीय की बात कर रहा है. वो कहाँ पे होंगे आपके, परिधि पे होंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से कथन सही है, यानी हमें क्या बताना है, सही बताना है, करेक्ट बताना है. तो पहला है, फ्रॉम द रीजन ऑफ एलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स अराइज फ्रॉम द रूट हेयर्स. एपिडर्मल सेल से रूट हेयर आपके ड्राइव नहीं होते. और दूसरी बात, रूट हेयर कहाँ से आते हैं बेटा, आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन से. तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया. दूसरा, न्यूमेटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा. बिल्कुल सही बात है, मैंग्रोव में क्या मिलते हैं हमें, न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं. नेक्स्ट क्या है, एडवेंटेशियस रूट्स आर सीन इन द बनियन ट्री. ये बात आपकी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है आपका, मेज एंड शुगर केन हैव प्रॉप रूट्स. नहीं, इनमें क्या होती है आपके, स्टिल्ट रूट्स होती हैं. तो आंसर क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया. आंसर हो गया हमारा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड. तो आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन क्या है, सही है. तो पहला है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन द सोलनेसी फैमिली. नहीं, गलत है, सोलनेसी में नहीं मिलता. जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बर्ड स्टेज. ये बिल्कुल सही बात है. प्राय ब्राह्म दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में क्या करते हैं, फूल की रक्षा करते हैं. इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर हेंस लिमिटलेस इन ग्रोथ. ये स्टेटमेंट गलत है. कैसी होती है, लिमिटेड होती है. यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पे आएगा असीमित. हाँ जी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा आपका, गलत हो जाएगा. ये भी क्या है, गलत. यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिमिटेड आना चाहिए. फोर्थ क्या है आपका,
In exile placentation, ovary is one chambered, but it becomes two chambered due to formation of false septum. ये statement आपका क्या है, ये भी क्या है, गलत है. इसमें one chambered आपके नहीं होती, क्योंकि ये दो chambered नहीं बनती. किसकी बात कर रहे हैं, तो parietal की बात कर रहा है. यहाँ पे क्या आना चाहिए था, parietal, तब ये आपका सही हो जाता. तो ये आंसर क्या है आपका, गलत. आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड. चलिए नेक्स्ट है, इन दोनों कॉलम्स को हमें मैच करना है. सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये कौन सी होगी हमारी, पोटैटो, सही है. स्टेम टेंड्रिल किसकी बात कर रहा है, कुकुम्बर यानी खीरे की बात कर रहा है. स्टेम थॉर्न्स यानी किसकी बात कर रहा है वो, सिट्रस की, तो क्या हो जाएंगे आपके, सिट्रस हो जाएगा. फ्लैटेंड स्टेम किसकी बात कर रहा है वो, उपनिषद की बात कर रहा है. और लास्ट क्या है हमारा, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम यानी गुदेदार सिलेंडराकार तना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यू फोर बी. आई मैच करते हैं अपने, ए का थर्ड, ठीक है, बी का फिफ्थ, बी का फिफ्थ, सी का फोर्थ, बिल्कुल सही है, डी का सेकंड, सही है, और ई का फर्स्ट, सही है. आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ. चलिए यहाँ पे हमें मैच करने हैं, यहाँ पे क्या दिए, प्लेसेंटेशन दिया यानी बीजांड न्यास दिया है, और यहाँ पे क्या दिए हैं, एग्जाम्पल, दोनों का क्या करने हैं हमें, मैच करने हैं. तो बेसल, बेसल का क्या होगा बेटा आपका, मैरी गोल्ड एंड सनफ्लावर, सही है. फ्री सेंट्रल में क्या आ जाएगा, डायंथस एंड प्रेमोज. पैरेटल में क्या आ जाएगा बेटा आपका, आर्जिमोन, यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बनता है. एक्साइल में क्या आ जाएगा, लेमन. मार्जिनल में क्या आ जाएगा, पी. तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का फाइव, डी का थर्ड, और ई का फर्स्ट, ई का सेकंड. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड. जी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ट्रिपल वन, ब्रासिकेसिया का क्या हो जाएगा आपका, ए 2+4, दैट इज आपका फोर्थ ऑप्शन. बी का थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फाबेसी 9+1. फिर आपका सी का सेकंड, ए का 5, सोलनेसी क्या है, ये है, और लिलियसी क्या हो जाएगा, फर्स्ट. तो डी का फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट. चलिए यहाँ ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एल्गल इज इनकरेक्ट, गलत पूछ रहा है वो, शैवाल से संबंधित क्या है, गलत है. चलिए एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, बिल्कुल सही बात है भाई. एल्गी कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट्स एंड स्टोर फूड, बिल्कुल सही बात है. एल्गी आर फाइब्रस, नहीं, एल्गी फाइब्रस नहीं होती, आपके रेशा युक्त ये कहते हैं होते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया है. स्पायरोगायरा डज नॉट प्रोड्यूस जू स्पोर्स, नहीं, ये आपके जू स्पोर प्रोड्यूस नहीं, सही बात है. स्पायरोगायरा में फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन सही है. पहला क्या है, टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज ए प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, गलत. ये तो किसकी बात है, ब्रायोफाइट की बात है, तो गलत. इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है आपका, फ्री लिविंग होता है. नहीं, वो तो कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है, मुक्त जीवी नहीं होता. तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत. एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगिनियोफोर आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, ये नहीं, ये आपके टेरिडोफाइट में प्रेजेंट नहीं होते. ये कहाँ होते हैं, ब्रायोफाइट्स में, मार्केशिया में प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत. लास्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, यस, ये सही बात है. सीड हैबिट स्टार्ट होती है आपके सेलेजनेला से और साल्वेनिया से. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही. आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ. टेरिडोफाइट्स में बीज प्रकृति की उत्पत्ति मिल सकती है, बिल्कुल सही बात है भाई. चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें बताना है गलत कौन सा कथन है. पहला, डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक करैक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोटिलिडन्स, यानी द्विनिषेचन अनावृत बीजी तथा एक बीज पत्रिया का अद्वितीय गुण है, गलत. जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है. स्क्यूआ ए जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबे होते हैं स्क्यूआ. फियोफाइसी मेंबर्स यानी किसकी बात कर रहा है, ब्राउन एल्गी की, पजेसिस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैटनोइड्स एंड जेंटोफिल, यानी फियोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ए सी कैटनोइड तथा जेंटोफिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है. मॉस इज ए गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, फर्स्ट क्या है आपका, प्रोटोनिमल, फिर क्या है आपकी, लीफी स्टेज.
मौस एक युग्मकोद्भिद है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहली आपके तंतु और दूसरी पत्ती अवस्था। सही है, आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलिए, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी और अनावृत बीजी के बीच समानता क्या है? तो पहला, फ्लोएम ऑफ बोथ हैव द कंपेनियन सेल्स। तो यहां पे क्या है आपका स्टेटमेंट? दोनों में नहीं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं एल्बुमिनस सेल। एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ, नहीं, एंजियोस्पर्म में बाद में बनता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। कॉन्स आर फाउंड इन बोथ, कॉन्स तो हमारे कहां मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में कॉन्स नहीं मिलते। तो ये भी क्या होगा? गलत। बोथ हैव लीफ स्टेम रूट्स, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों में क्या होते हैं? लीव्स, तना और जड़ें पाई जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्टली मैच विद देयर डेफिनेशंस इन पाइनस। पाइनस के रिगार्डिंग बात कर रहा है, पाइनस में हमें पता है मेल और फीमेल कौन सेम प्लांट में पाए जाते हैं, तो कंडीशन कैसी होगी? मोनोशियस, डायोशियस तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, मोनोशियस मेल यानी माइक्रोस्पोरेंजिएट, और फीमेल कौन, क्या बोल देंगे उसको हम? मेगास्पोरेंजिएट। कहाँ होते हैं? सेम प्लांट पे होते हैं। सही बात है बिल्कुल भाई। मोनोशियस मेल एंड फीमेल स्पोरोफाइल आर बोर्न ऑन सेम स्ट्रोबिलस, एक लंगी, नर और मादा बीजाणुपर्ण समान शंकु पर बनते हैं। नहीं, स्ट्रोबिलस तो क्या होंगे आपके? अलग अलग होंगे, शंकु क्या होंगे? अलग अलग। तो ये तो आपका होगा स्टेटमेंट गलत। तीसरा तो वैसे गलत है, डायोशियस तो हो ही नहीं सकता, द्विलंगी तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ, मोनोशियस मेल एंड फीमेल फ्लावर, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा? फर्स्ट। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट मॉस, मॉस के बारे में कौन सा कथन सही है? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। बिल्कुल सही बात है, इसके जीवन चक्र के प्रभावी अवस्था युगोद्मोद्भिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है, तंतु तथा पत्ती अवस्था। बिल्कुल सही बात है। लीफी स्टेजेस आर अटैच टू द सॉयल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। बिल्कुल सही बात है। सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहा है वो, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफ बेसिस। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल शानदार लाइन है, सही है ये। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ ए साइंस इज बींग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट। हम वो पूछ रहे हैं कौन सी ब्रांच है। तो पहला है, इट कैन बी इजिली डन बाई यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर। कंप्यूटर यूज कर लिए हैं और क्या किए हमने? ऑब्जर्वेबल करेक्टर क्या किए हैं? इस्तेमाल कर लिए हैं। और पता करते हैं, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू द ऑल द करेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस। ये भी बिल्कुल सही बात है। ईच करेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज एट द सेम टाइम, हंड्रेड ऑफ करेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। प्रत्येक लक्षण को समान महत्व दिया जाता है और एक ही समय में 100 लक्षण माने जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसके बारे में बातें हो रही हैं? ये हो रही हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी संख्यात्मक टैक्सोनॉमी के बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? पहला, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, सही बात है, कोलेटरल सही है, एंड सराउंडेड बाय पैरेन्काइमेटस शीथ। ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? स्क्लेरेन्काइमेटस। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया स्टेटमेंट। हाइपोडर्मस इज स्क्लेरेन्काइमेटस, दृढ़ोत्तक की अध स्व त्वचा होती है। बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड टिश्यू इज डिफ्रेंशिएटेड इन कोर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड पिथ, नहीं, यहां पे आपके वेस्कुलर मंडल क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, इस वजह से कोर्टेक्स और पिथ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। तो ये क्या हो गया आपका? गलत। तो क्या पूछ रहा था? फॉल्स पूछ रहा था, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में कौन सा कथन सही है? द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। सही बात है बिल्कुल।
The leaves are small microphylls as in fern or large macrophyll in Selaginella. ये उल्टा स्टेटमेंट हो गया. Selaginella में क्या होते हैं microphylls और ferns में क्या होते हैं आपके macrophylls. तो ये क्या होगा आपका गलत. Genera like Selaginella and Salvinia which produce two kind of spores that is macro and micro known as heterospores. बिल्कुल सही बात है ये. यही क्या आपकी सीड हैबिट के बारे में बताया जाता है. कॉमन एग्जाम्पल्स आर फुनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम. ये किसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स के मॉसेस के एग्जाम्पल हैं. तो ये भी क्या हो गया गलत. तो क्या पूछा इसने करेक्ट तो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन. इन कथनों को पढ़ते हैं उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं. पहला है स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जायगोट. ठीक है ऐसा होता है बिल्कुल. मियोसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर. यानी जायगोट के बाद क्या हो गया उसका तुरंत क्या हो गया मियोसिस हो गया है. यानी हम किसकी बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगुणित. द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. बिल्कुल सही बात है. मैनी एल्गी सच एज वॉलवर्क्स पायरोगेरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न. यानी किसकी बात कर रहा है वो हैप्लॉन्टिक की. अच्छा क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत कौन सी है ये आपको ध्यान देना है. गलत पूछा है क्या सही पूछा है. यहां पर क्या पूछ रहा है वो गलत. पैरानोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. बिल्कुल सही बात है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसोगैमस ऊगैमस एंड एन आइसोगैमस इन ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी. लैंगिक प्रजनन समयुग्मकी अंडयुग्मकी तथा और हरे तथा भूरे शैवाल में असमयुग्मकी हो सकता है. बिल्कुल सही बात है. सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ एल्गी आल्सो अकर इन द एसोसिएशन विद फंजाई दैट इज लाइकन एनिमल्स आपका स्लोथ बियर. शैवाल के कुछ सदस्य कवक यानी लाइकन और कुछ जानवरों के साथ में उदाहरण के लिए स्लोथ रिच पाए जाते हैं. बिल्कुल पाए जाते हैं भाई. चलो द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर वेल अडॉप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड. नहीं ये लाइन किसके लिए है जिम्नोस्पर्म के लिए है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत. तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123. मैच द क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एग्जांपल गिवन इन द कॉलम सेकंड. ये आपके टेरिडोफाइट की क्लास है और ये क्या उसके एग्जांपल है. इजी क्वेश्चन है. सिलोप्सिडा इजी है सिलोटम लाइकोप्सिडा सेलिजिनेला स्फिनोस्पिडा हॉर्स ट्रेल दैट इज इक्विस्टम टेरिडोप्सिडा आपका ड्रायोप्टेरिस. आंसर देख लीजिए. ए का सेकंड होना चाहिए बी का फर्स्ट सी का फोर्थ और डी का थर्ड. आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट. चलिए ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीव ट्यूब एलिमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट. सभी स्टेटमेंट सही है एक गलत है. वो गलत एक गलत को हमें देखना है. चलिए देयर एंडवाल्स हैव परफोरेटेड सी प्लेट्स विच बिकम इम्प्रेग्नेटेड विद लिग्निन एट मैच्योरिटी. सीव ट्यूब एलिमेंट में कभी भी आपकी जो लिग्निन का जमाव नहीं होता. चालनी ललिका में कभी भी लिग्निन का आपका डेवलपमेंट नहीं होता. तो स्टेटमेंट क्या होगी आपके गलत हो गई है. चलो दे पोजेसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एज वेल एज लार्ज वैक्यूल. सही बात है बिल्कुल. इट लैक न्यूक्लियस एंड देयर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द कंपेनियन सेल्स. बिल्कुल सही है. लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज इन अ लॉन्गिट्यूडनली. ये भी बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है. तो उनकी अंतिम दीवारों में छद्र चालनी प्लेटें होती हैं जिसमें परिपक्वता पर लिग्निन जमा हो जाता है. ये गलत स्टेटमेंट है. आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरल स्थायी ऊतक के बारे में सही है. तो पहला है द कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट. गलत बात है. कोलेनकाइमा क्या नहीं होती किसकी होती है स्क्लेरेनकाइमा की. तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत. नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर जनरली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट. ये बिल्कुल सही बात है. ज़ाइलन पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड थिन एनवॉल्व्ड एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन. नहीं लिग्निन की नहीं बनी होती.
ये लिग्निन की होगी तो क्या हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, जबकि ज़ाइलिन पैनगामा क्या है आपका, लिविंग। तो स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, गलत। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज पैनगामेटस सेल, गलत। वो किसकी बनी होती है आपके, पैनगामा की। किसकी बनी होती है, पैनगामा की। तो आंसर ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट स्क्लेरेनकाइमा कोशिका होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला क्या है, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड द हेयर्स। बिल्कुल सही बात है। एपिडर्मल सेल्स आर पैनगामेटस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये तीनों ही लाइनें एनसीईआरटी की हैं, जो कि क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है ये। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है। ज़ाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिन वॉल्स एंड सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। नहीं, किसकी होती है, लिग्निन की होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत। ज़ाइलम पैनगामा स्टोर फूड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन। ये भी क्या है आपका, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फ्लोएम। फ्लोएम के लिए कौन सा कथन हमारा सही है। पहला, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स यूजली फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। गलत, रूट से नहीं जाता, जड़ से नहीं जाएगा, पत्तियों से जाएगा पौधे में। इट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैनगामा एंड फ्लोएम फाइबर। ये सही है आपका, ये गलत है। चलो, द कंपेनियन सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड पैनगामेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्लोएम पैनगामा। ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो क्या होता है आपका, सीव ट्यूब एलिमेंट। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैनगामेटस कोशिकाएं होती हैं जो फ्लोएम पैनगामा से निकटता से जुड़ी होती हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कहना था आपका सीव ट्यूब एलिमेंट। नेक्स्ट आपका, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ए नैरो सीव ट्यूब्स एंड रेफर टू एज ए प्रोटोफ्लोएम। बिल्कुल सही बात है। और जो बाद में बनते हैं, द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब। कैसी होंगी, सीव ट्यूब बड़ी होंगी, एंड रेफर टू एज ए मेटाफ्लोएम। बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड हो जाएगा। चलिए, 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्टवुड। यानी वो अंतःकाष्ठ के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है। इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। सही बात है। वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है। इट इज डार्क कलर, सही बात है, बट सॉफ्ट। सॉफ्ट नहीं होता, कैसा होता है, हार्ड। तो स्टेटमेंट की वजह से क्या हो गया आपका, गलत। इट हैज ए ट्रैकरी एलिमेंट्स फिल्ड विद टैनिन, रेजिन्स, गम्स, ऑयल। बिल्कुल सही बात है ये तो। इट इज पेरिफेरल पार्ट, यह परिधीय भाग है। नहीं, ये आपका सेंटर का पार्ट होता है, गलत। दे आर सेंसिटिव टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स, हैंस ड्यूरेबल। नहीं, माइक्रोब्स के प्रति और इंसेक्ट के प्रति क्या होते हैं, रेजिस्टेंट, क्योंकि इनमें क्या है, रेजिन, गम्स, टैनिन्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई है आपकी, गलत हो गई है। किसकी वजह से, सेंसिटिविटी। यह चिरस्थाई है, बिल्कुल सही बात है, बट इसलिए रोगाणुओं तथा कीड़ों के प्रति संवेदनशील होते हैं। नहीं, इसके लिए क्या होते हैं, प्रतिरोधात्मक होते हैं। तो गलत है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट हो जाएगा आंसर ये। चलिए, 130 क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी करके हमें चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है, मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। स्टोर फूड मटेरियल्स, खाद्य पदार्थों का क्या करता है, संचय करता है। स्टोर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज।
ये किसके बारे में बातें कर रहा है? विच वन इज ऑप्शन इज करेक्टली मैच विद ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये किससे मैच कर रहे हैं? तो ये बात कर रहा है आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है ये। चलिए, वर्ल फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट इन चक्र पर्ण विन्यास पाया जाता है, हमें मालूम है एलेस्टोनिया, आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज हाइपोगाइनस? तो आंसर क्या है इसका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आंसर क्या हो जाएगा आपका मस्टर्ड। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन फ्लावर इज फाउंड इन, एक ही पुष्प के पतंतु के लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, हमें मालूम है मस्टर्ड एंड साल्विया, ये भी क्या है एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। चूज द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन फॉर द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इन फ्लावर, यानी किसकी बात कर रहा है वो, व्यास सममित की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है गुलमोहर, पी एंड कैशिया। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रेजेंट इन, तो कहां प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, आपका डायकोट तो है कैस्टर बट कैसा है, एंडोस्पर्मिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। सेक्शन बी की बात करते हैं अपने आप, लिलिएसी फैमिली इंक्लूड, इसमें क्या आते हैं मोनोकोट्स आते हैं, डाइकोट तो आते ही नहीं है, गलत। अश्वगंधा नहीं, ये तो क्या है डाइकोट का एग्जाम्पल है, ये भी गलत हो गया फर्स्ट। मोनोकोट एग्जाम्पल लाइक एस्परगस एंड एलोए। विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोटैटो जिंजर टर्मरिक जमीकंद एंड कोलकेसिया, किसकी बात कर रहा है अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहा है। चलिए, All are underground modified stem, बिल्कुल सही बात है। All do not store food, सभी भोजन संग्रहित नहीं होते, नहीं ये तो बनाए किसके लिए, स्टोरेज फूड के लिए है, तो गलत। They act as a organ of pernation, बिल्कुल सही बात है ये। They are formed to tide over conditions unfavorable for the growth, विषम परिस्थितियों में पार करने के लिए ये क्या बनते हैं, organs बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही। क्या पूछा है इसने incorrect, आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ ए पी, मटर में पुमंग के लिए कौन सा तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया गया है, हमें मालूम है क्या बोलते हैं हम, डाई एडल्फस यानी द्विसिंगी, 9+1। मुलट्ठी बिलोंग्स टू द फैमिली, हमें मालूम है क्या आंसर है इसका, फाबेसिए। Which character cannot be shown in a floral formula? Addition बिल्कुल मालूम कर लेंगे असंजन, सिमेट्री समिति हम कर लेंगे, एक्टिनो है क्या, जाइगो है। ओवरी पोजिशन बिल्कुल, ओवरी इन्फीरियर है या आपकी सुपीरियर है। प्लेसेंटेशन नहीं, ये हमें मालूम नहीं पड़ता कि मार्जिनल है या आपका एक्साइल है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। Which of the following is not an example of secondary meristem? तो कोर कैम्बियम भी क्या है, secondary, इंटरफेस्कुलर भी क्या है, secondary, इंट्राफेसिकुलर ये कैसी है आपकी, प्राइमरी इन ओरिजिन है बट करती क्या है, लेटरल ग्रोथ करती है या सेकेंडरी ग्रोथ करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम कंस्टिट्यूट, तो क्या बोलते हैं उनको अपने, एक्सिलरी बड बोलते हैं। पत्तियों के निर्माण व तने के दीर्घीकरण के दौरान प्रोहो शीर्ष विभाज्यों तक के पीछे कुछ कोशिकाएं बनाती हैं, क्या बनाती हैं, कशिका कलिका। आइडेंटिफाइड द पार्ट को आइडेंटिफाई करना है एबीसी को, ए क्या है आपका सेंट्रल सिलेंडर है, ठीक है, बी क्या है आपका प्रोटोडर्म, ठीक है, सी क्या है रूट कैप है ये, और डी क्या है हमारी रूट एपिकल मेरिस्टम, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। 144 इसको हमें लेबलिंग बतानी है क्या है, ये तो ये क्या है बेटा, ये बताया गया किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में, और बीच में सेंटर में क्या है हमारा वैक्यूल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ। ट्रैकेट्स एंड वेसल एलिमेंट्स आर कैसे होते हैं बेटा, डाई बिफोर दे बिकम फंक्शनल, बिल्कुल सही बात है, लिग्निन का फॉर्मेशन हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं आपके डेड, सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, नहीं वेसल्स आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते। आर फाउंड ओनली इन सेकेंडरी प्लांट बॉडी, नहीं प्राइमरी प्लांट बॉडी में भी ये हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। आर विदाउट लिग्निफाइड सेल वॉल, नहीं लिग्निफिकेशन तो क्या है कंपलसरी है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आंसर क्या हो गया इसका फर्स्ट। 146
इन एक्सार्क वेस्कुलर बंडल, हम बात करते हैं एक्सार्क की, इसमें प्रोटोजाइलम कहाँ होता है आपका, पेरीफेरी पे होगा, और आपका जो मेटाजाइलम होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। तो ये कहाँ पे मिलती है हमें कंडीशन, रूट्स में मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। कॉर्टेक्स एंड पिथ आर नॉट डिस्टिंग्विश, ये फिर क्वेश्चन मिलता जुलता आ गया। मोनोकोट में क्या होता है, इस टाइम में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ पर कॉर्टेक्स और पिथ हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्थ। हाइपोडर्मिस इज कोलोनकाइमेटस फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथन, तो हाइपोडर्मिस मोनोकोट में तो कैसी होती है इस टाइम में, आपके स्कोलोनकाइमेटस, और आपके यंग डायकोट स्टेम में कैसी होती है, ये आपके कोलोनकाइमेटस होती है। यंग डायकोट स्टेम की जगह आंसर क्या दे रखा है इसने, हर्बेशियस। हर्बेशियस क्या आपका यंग ही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड। शाकीय द्विबीजी तने में, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनी ग्रासेस द प्रेजेंस ऑफ बुलीफॉर्म और मोटर सेल्स इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स इज टू, वो पूछ रहा है बहुत सी घासों के संबंध में पत्तियों की ऊपरी बाह त्वचा में बुलीफॉर्म कोशिकाओं या प्रेरक कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, कहां पे मिलेगी बेटा हमें, ये है आपका, इससे होता क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लीव, नहीं ऐसी बात नहीं है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर नहीं होता। चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव, सरफेस एरिया क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है, और लीव क्या हो जाती है आपकी, रोल हो जाती है, और रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन क्या होता है आपका, चेक हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पे क्या लगता है, रोक लग जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड। इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ द पोजिशन ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज, पोजिशन पूछ रहा है किसकी, खम्भ मृदतक की और स्पंजी मृदतक की। तो आंसर क्या है बेटा, डॉर्सी वेंट्रल के साइड में होगी लीफ, ये आपके पैलिसेड कहाँ पे होंगे, इसके एडेक्सियल स्पेस में होंगे, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहाँ पे होगी, आपके बेस पे होगी, एबेसिकल में होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू।